गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, एजुकेटिव पनवेल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है फायर। फायर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फायर के स्पेलिंग में ही उसका फुल फॉर्म है, और जो भी स्पेलिंग है उसका उसके फुल फॉर्म में ही उसको जैसे फायर लगता है तो उसके ऊपर क्या क्या एक्शन लेनी चाहिए ये बताया गया है। तो ये फायर आप स्पेल में लिखते हैं FIRE, इसका फुल फॉर्म क्या है और उसमें कैसे मीनिंग में आपको फायर की जैसे इंसिडेंट होता है तो आपको कैसे उसके ऊपर एक्शन लेना है ये बताया गया है। तो फायर का स्पेल है FIRE। तो फर्स्ट F है, उसका फुल फॉर्म है फाइन, यानी कि फायर जैसे ही लग जाती है तो आपको पहले क्या करना है, फाइन करना है, यानी कि खोजना है आपकी कंपनी में अगर फायर फर्स्ट फायर के मतलब से F है तो उसको फाइन करना है, यानी कि जहां भी कहीं आपको फायर अलार्म जैसे सुनाई देगा तो आपको पैनल में देखना है और उसका लोकेशन खोजना है किस तरह से आग है आपको ये पहले, यानी कि जो कंपनी का लोकेशन है वो जो फायर पैनल में आपके दिखाई देगा तो उसको फाइंड आउट करना है, यानी कि पहले एफ में फायर को फाइंड आउट करना है कहां पे लगी है, उसका लोकेशन जांचना है। उसके बाद में आई, एफ के बाद आई स्पेल आता है तो वर्ड आता है, तो आई का फुल फॉर्म है इन्फॉर्म, यानी कि आपको इन्फॉर्म करना है जो भी आप बताना है दूसरे को। कैसे बताएंगे? तो आप अगर रियल फाइल लगी है तो आपको पीए सिस्टम से भी अनाउंस कर सकते हैं और कंपनीज को बता सकते हैं कि ये रियल फाइल गठित हुई है तो एडिट करो, अगर रियल नहीं है तो आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हो कि डोंट पैनिक ये फॉल्स अलार्म है, ऐसा कुछ भी आपको इन्फॉर्म करना है जो भी कुछ रियलिटी है। अगर फायर लगी है तो इन्फॉर्म करना है कि वैकेशन के लिए आपको ये पीए सिस्टम से अनाउंस करना है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड रहता है आर, यानी कि रिस्ट्रिक्ट, यानी कि प्रतिबंध लगाना है। जब भी आप अगर रियल फाइल में है तो आपने फाइल खोज लिया, उसको और लोगों को इन्फॉर्म कर दिया तो लोग इवैक्यूएट करने वाले चाहिए बाहर से अंदर, यानी कि एग्जिट होएगी सब, इंटर कोई नहीं होगा, तो प्रतिबंध लगाना है कि जहां पे फाइल जल लग गई है वहां पे कोई आ ना सके और वहां से कंपनी से सब बाहर जाए, नए बंदे को इन कंपनी में एंटर कर सके, तो उस जगह पे जाने के लिए प्रतिबंध लगाना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। और नेक्स्ट अभी लास्ट होता है ई, यानी कि एस्टिगेश, ई फॉर एस्टिगेश, यानी कि उस आपको बुझाना है, बुझाना यानी कि एस्टिगेश करना। तो जो भी फाइल लगती है उसको पर्टिकुलर जो भी उसका टाइप होता है फायर का, अगर छोटी फाइल है तो आप उसके ऊपर उसी पर्टिकुलर टाइप का इंस्टिगेश यानी कि फायर इंस्टिगेशन यूज करके उसको बुझा सकते हैं। तो कभी भी आपको फायर ये वर्ड है उसका फुल फॉर्म कोई भी पूछे तो आपको बताने आना चाहिए, और उसी अगर फायर का फुल फॉर्म आपके पास याद है तो जब भी फायर लग जाती है तो आप ऐसे एक्शंस ले सकते हैं। तो एफ का फायर का मैंने फुल फॉर्म बताया, एफ फॉर फाइंड, खोजना उसको कहाँ पे लगे, कौन से लोकेशन पे लगे। उसके बाद में आई फॉर इन्फॉर्म, अपने सीनियर्स को और ऑल लोगों को इन्फॉर्म करना, बताना। उसके बाद में रिस्ट्रिक्ट करना, जहां पे वैकेशन कर रहे तो आप एंट्रीज रिस्ट्रिक्ट करना, जहां पे आग लगी वहां पे किसी बंदों के जाने नहीं देना। उसके बाद में लास्ट ई, यानी कि इंस्टिगेशन करना, उसको बुझाने की कोशिश करना, कैसे अगर छोटा है तो छोटी फायर इंस्टिगेशन यूज करके, उसके बाद में बड़ा है तो फायर अलार्म सिस्टम यूज करके, या तो आप फायर ब्रिगेड को बुला के उसको इंस्टिगेशन कर सकते हो, बुझा सकते हो। यानी कि कभी भी आपको अगर इंटरव्यू में कोई भी ऐसा सवाल पूछता है कि फायर का फुल फॉर्म क्या है तो आपको एफ फॉर फाइंड, आई फॉर इन्फॉर्म, आर फॉर रिस्ट्रिक्ट और ई फॉर इंस्टिगेशन आपको बताना चाहिए, यानी कि खोजना, बताना, प्रतिबंध लगाना और बुझाना, ये वर्ड सबको इस्तेमाल करने आने चाहिए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।